ये बताइए, ये सुन रहे हैं मेरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है उस पर जरूर एक्शन लेंगे और उसके बारे में आप बताइए, तभी सुन ही नहीं रहे हैं। एमएलसी और एमएलए का तनख्वाह है 3 लाख रुपया, कम से कम इस अवसर पर आज ये घोषणा कर दें कि उसकी समीक्षा की जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लास्ट चीज देख रहे हैं बिहार विधानमंडल के सभी सदस्यों को, यानी कि बिहार विधानसभा के जितने सदस्य हैं, बिहार विधान परिषद के जितने सदस्य हैं, सभी विधायक और विधान पार्षदों के वेतन में अब बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए, पिछले मंगलवार को जो कैबिनेट की बैठक हुई नीतीश कुमार की अध्यक्षता में, उसमें इस एजेंडे पर भी मुहर लग गई है कि सभी विधायक हों, पूर्व विधायक हों, विधान पार्षद हों, पूर्व विधान पार्षद हों, सभी के वेतन भत्ते की बात हो या फिर पेंशन की बात हो, उन सभी में बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही साथ जो कार लोन मिलता है वो भी 25 लाख रुपए तक मिल सकेगा। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इस प्रस्ताव पर मुहर लगा है। साथ ही साथ विधायकों को सालाना 4 लाख का रेलवे कूपन भी मिलेगा और वाहन खरीदने के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं सभी विधायकों को, विधान पार्षदों को, पूर्व विधायक और पूर्व विधान पार्षद को भी काफी फायदा होने वाला है। लगभग एक अगर हम आकलन की बात करें तो 25,000 रुपये महीने तक की जो वेतन में वृद्धि है वो की गई है। तो विधायकों को, विधान पार्षदों को, पूर्व विधायकों को, पूर्व विधान पार्षदों की तो बल्ले बल्ले है, उन्हें अब बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा, सरकार ने इस एजेंडे पर मोहर लगा दी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज जो इस कैबिनेट के एजेंडे पर मोहर लगी है पिछले दिनों, इसकी कहानी कब से शुरू हुई थी? इसकी कहानी शुरू हुई थी इसी साल मार्च के महीने में नीतीश कुमार के जन्मदिन के बाद, जब सभी मिठाइयां बंटी थी बिहार विधान परिषद में आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह, जो कि उस वक्त विपक्ष में बैठते थे, क्योंकि अब तो बिहार में महागठबंधन बन चुका है, लेकिन सुनील सिंह उस वक्त विपक्ष में बैठते थे और खूब झगड़ा हुआ था। नीतीश कुमार के जन्मदिन के अवसर पर लोगों में मिठाइयां बंटी थी, उस दिन आरजेडी के मंत्री सुनील सिंह का खूब झगड़ा हुआ था नीतीश कुमार के साथ किसी मुद्दे पर, धान खरीद के मुद्दे पर। वो तमाम वीडियोज आपको दिखा रहे हैं बिहार विधान परिषद में, जब माहौल गर्मा गया था, नीतीश कुमार ने भी खूब सुना दिया था सुनील सिंह को। उसके बाद सुनील सिंह ने आग्रह किया था कि जब बिहार में इनकम हो रहा है, बिहार की आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हुई है, तो क्यों ना तेलंगाना के तर्ज पर विधायकों के, विधान पार्षदों के वेतन को बढ़ाया जाए, आग्रह किया था। जरा सुनिए, रिहाई हो गया है, इस बात को पूरे तौर पर कर दिया। पार्लर मत बोलिए, पार्लर नेता बैठ बोल रहे हैं। एथेनॉल का नहीं, आपका लेकिन आप जो बोलते रहते हैं, आप एक बात सुन लीजिए, हम चाहते नहीं है, सारी बातों को चाहते नहीं है आपके बारे में अंदरूनी बात कहना। हम लोग एक दूसरे के बारे में अंदरूनी बात भी जानते हैं, अभी कोई अच्छी बात काहे बोलेंगे, ये बोलेंगे हम, लेकिन कह रहे हैं कि अगर कोई गड़बड़ करता है तो आप भी जरा देखिए, और कोई बार बार कह रहे हैं, तीसरी बार कह रहे हैं, अगर कोई गड़बड़ करता है उसकी रिपोर्ट करिए ताकि उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाए। इसलिए आप लोग भी समझा दीजिए ना, आप लोग अगर नहीं समझाइएगा तो ये कुछ होगा क्या? अरे आ गए आप विधान परिषद में, आप पार्टी विधान परिषद में पहुंचा दिया वो अलग बात है, लेकिन आपका असली काम तो दूसरा है। चलिए, अब एथेनॉल का उत्पादन, बैठिए बैठिए। अरे इतना हम बोल रहे हैं, इतना साफ साफ बोल रहे हैं कि आपके पास अगर कोई ऐसी जानकारी है दीजिए, उस पर जरूर जांच करके एक्शन लिया जाएगा। ये सुन रहा है मेरी बात, आप दीजिए माननीय मुख्यमंत्री, बैठाइए, ये सुन रहे हैं मेरी बात, ये बार बार कह रहे हैं कि अगर किसी ने गड़बड़ी की है उस पर जरूर एक्शन लेंगे और उसके बारे में आप बताइए, तभी सुन ही नहीं रहे हैं। आपका भी संशोधन है, उससे जो संसदीय परंपरा रहा है महोदय, उससे हम कोई अलग नहीं है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन अभी जैसा बता रहे थे, शिवरात्रि तो कल था, तो शंकर भगवान तो बहुत सहृदय थे, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोग के बीच में सदन में कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति काफी सुदृढ़ हो गई है, तो हम इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन के बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हुए हम इनके संज्ञान में देना चाहते हैं कि जो तेलंगाना में एमएलसी और एमएलए का तनख्वाह है 3 लाख रुपया, कम से कम इस अवसर पर आज ये घोषणा कर दें कि उसकी समीक्षा की जाएगी, पहला। दूसरा, जनहित में माननीय मुख्यमंत्री जी वही बात बता रहे थे, लेकिन लोग बोलने दें तब ना,
हम बोल माननीय मुख्यमंत्री जी बोले कि मैंने उसना चावल लेने का आदेश दिया, हम भी बोलना चाह रहे थे कि बहुत अच्छा कदम है, लेकिन हुजूर आपके जिलाधिकारी आपके आदेश को उलट दे रहे हैं। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, कभी अकेले में भी हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बताएंगे तो उसना को लोगों ने अरवा में कन्वर्ट कर दिया है जोर, मतलब कच्चा पापड़ पक्का पापड़ चल रहा है जोर। तो इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, और जो परंपरा है उसका अनुपालन करते हुए, आपको प्रणाम करते हुए, अगर आपको कोई दिली ठेस पहुंचा हो मेरे बोलने से उसको वापस लेते हुए अपनी बात को वापस लेते हैं। बिहार विधान परिषद की कार्रवाई के दौरान कैसे विपक्ष और सत्ता पक्ष में खूब बहस हुई थी, हालांकि उस वक्त परिस्थितियां कुछ अलग थी। ये वीडियो जो है वो 2 मार्च 2022 का है, यानी किसी साल का है, लेकिन मार्च महीने का है। अगस्त के बाद से परिस्थितियां बदल गई है, बिहार में महागठबंधन की सरकार है, और अब सुनील सिंह ने जो आग्रह किया था उसका फल अब सभी विधायक विधान पार्षदों को मिलेगा, पूर्व विधान पार्षदों को भी मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं, लड़ाई होती है, नोकझोंक होती है, लेकिन उससे जो फलाफल निकलता है उसका लाभ तो सबको मिलता है। सुनील सिंह के इस प्रयास ने आज सभी जितने माननीय हैं, पूर्व माननीय हैं, उन सभी के चेहरे पर मुस्कान ला दी। मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फिर सुपेश भी लाइक करें। धन्यवाद।